लेकिन आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ में। मंडे बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर के साथ। मोदी कैबिनेट ने यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी है। 1 अप्रैल 2025 से ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी और रिटायर्ड कर्मचारियों को भी यूपीएस का फायदा मिलेगा। 25 साल तक काम करने वालों को पूरी पेंशन दी जाएगी। और खास बात तो ये है कि जो लोग 2004 से मार्च 2025 तक रिटायर्ड हुए हैं, उन्हें भी इस पेंशन स्कीम का सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही उन्हें ब्याज के साथ में एरियर भी मिलेगा। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जिससे सीधा उनको मिलेगा जिन्होंने साल 2004 से लेकर 2025 के बीच में रिटायर्ड हुए हैं, उन्हें इस स्कीम का लाभ मिलेगा और साथ ही उन्हें ब्याज के साथ में एरियर भी दिया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया है। और साथ ही यूपीएस की बड़ी बातें भी हम आपको बता रहे हैं कि रिटायर्ड कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में पूरा पैसा सरकार देगी। इसके अलावा 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस लागू होगा और सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस होगा और 25 साल तक काम करने वालों को पूरी पेंशन सरकार देगी। 10 साल तक काम करने वालों को 10,000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। बेसिक सैलरी का 50% निश्चित पेंशन होगी। पेंशन स्कीम अप्रूव हुई है। ये स्कीम केंद्र सरकार के करीब 23 लाख कर्मचारी, करीब 23 लाख एम्प्लॉइज हैं, उनको इसका बेनिफिट मिलेगा। ऑप्शन रहेगा, कोई अगर एनपीएस में रहना चाहे तो एनपीएस में रह सकता है, यूपीएस में ऑप्ट करना चाहे, विच इज नेचुरली अ वेरी अट्रैक्टिव स्कीम, तो उसमें ऑप्ट कर सकता है। प्लस राज्य सरकारें अगर इसी फ्रेमवर्क को, इसी आर्किटेक्चर को यूज करना चाहे तो राज्य सरकारें भी इस आर्किटेक्चर को यूज कर सकती है। अगर राज्य सरकार के कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं तो करीब 90 लाख के आसपास टोटल कर्मचारी इसका बेनिफिट मिलेगा। 50% अश्योर्ड पेंशन, ये इस यूपीएस का सबसे पहला पिलर है। इसकी डिटेलिंग देखनी चाहिए हमें। जो ये अमाउंट मिलेगा वो रिटायरमेंट से पहले के 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% होगा और इस फुल पेंशन के लिए जो क्वालिफाइंग एज रहे, क्वालिफाइंग सर्विस रहेगी, वो रहेगी 25 इयर्स। यानी 25 वर्ष तक अगर किसी ने काम किया है, सेवा की है, तो उसको फुल पेंशन यानी जो ये अश्योर्ड पेंशन का अमाउंट है वो मिलेगा। 25 साल से अगर कम है लेकिन 10 साल से ज्यादा है तो उसमें प्रोपोर्शनेट पेंशन रहेगी, प्रोरेटा वो पेंशन का अमाउंट बनेगा।